क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। सद्गुरुदेवंकर चरणारविंदरे अनंत कोटि दंडवत बाढ़ी आपण मानक स्वागत करुची आम कार्यक्रम गुरवे नमः। गुरु इष्ट रूप से आम मानकर मार्गदर्शक से ही न्याय रे आमे गौतम बुद्धंकर अपूर्व जीवनी तांकर चरित तांकर प्रदर्शित मार्ग संपर्क रे आमे आलोचना करुचे आम कार्यक्रम गुरवे नमः। अष्टांग मार्ग जहार अनुसरण कले जीव दुखमुक्त हब। आमे सप्तम मार्गर कथा चर्चा करुथुले जहा सत्य ध्यान उपरे निर्देशित। ध्यान ध्यानरु ज्ञान एवं ध्यानरु ज्ञान लाभ कला परे जीव निर्वाण बा मुक्ति दिगरे गतिशील हब, मुक्ति पाई पारिब, निर्वाण प्राप्त हो पारिब, मोक्ष पद प्राप्त हो पारिब। एको अति सहज भाषा रे गौतम बुद्ध बुझौथुले जे आस जीवन रु दुखमुक्त हबा। चिंता करंतु आम भितरे किए जणे अछि जिए सबुबेले सुख खोजुची, ठीक ना भूल? ठीक। आम भितरे किए जणे अछि जिए सबुबेले खोजुची जे कष्ट मो पाखकु केबे न आसु, जिति सहज रे हेई पारिबो मु जीवन धारण करिबी। एई भावटिकु गौतम बुद्ध आम पाखरे पहुंच करिवा पई चाहंती। बुद्धदेव कहुचंती जे प्रत्येक मनीष दुखमुक्त हेबा पई चाहंती, प्रत्येक कष्टरु निजकु उद्धार करिवा पई चाहंती, किंतु बाट पाई पारंती नाही। तेणु जेउ बाट जेउ मार्गर अनुसरण कले आमे एकु अनुभव करि परिवा ताहा होची अष्टांग मार्ग। ए अष्टांग मार्ग संपर्क रे आमे चर्चा करिचे जेउथरे सत्य दर्शन, सत्य चिंतन, सत्य कथन, सत्यर आचरण, ए समस्त कथा आमे पूर्ववर्ती अध्याय मानकरे सुनी सुनी आसीचे। एबे ध्यानर कथा, योग मार्गरे ध्यान संपर्करे बहु चर्चा करा जायचे। किभली भावरे ध्यान करिवाकु हबो, एपरी कि कुंडलिनी जागरण करिवा ठारु आरंभ करी षडचक्र जागरण करिवा ठारु आरंभ करी इत्यादि इत्यादि योग मार्गरे बहु कथा चर्चा करा जायचे। किंतु बुद्धदेवंकर जो योग, बुद्धदेवंकर जो ध्यान, ता अत्यंत सहज सरल आउ प्रत्येक व्यक्ति पाई अभिप्रेत। चकासन पकाई भूमि उपरे बसंतु, यदि भूमि उपरे बसी पारु नाहंती कौनसी एक चौकी बा आसन रे बसंतु, अंटा ठारु मस्तक पर्यंत शरीर को सळख रखंतु एवं तापरे अत्यंत कोमलतार सहित निजर चक्षु को मुद्रित करंतु। लंबा निश्वास नियंतु, धीरे धीरे लंबा निश्वास छाड़ंतु। चारिपटे थिबा शब्द मानंकु सुनिबा पई चेष्टा करंतु। जेउ शब्द गुड़िक धीरे 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 कान को सुना जाउची एवं कोमलतार सहित आखि को पुणी फिटेई गोटे निर्दिष्ट द्रव्य वा वस्तु उपरे निजर ध्यान को केन्द्रीभूत कराई पुणी आखि को धीरे धीरे बंद करा जाउ, शरीर को ढिला छाड़ी दिया जाउ। कौनसी प्रकार चिंता आउ आमर वर्तमान नाही, आमे केवल आउ केवल अंतर्मुखी होउचे, निज भीतर को निजे जाउचे एवं निज भीतर को जाउथिला बेले आमकु धीरे 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 अन्य कौनसी शब्द सुना जाउ नाही, केवल निजर दीर्घ निश्वास एवं प्रश्वास अर्थात वायु नौचे वायु छाड़ुचे एहा ही आम मानकु केवल कान को सुना जाउचे। तेणु एही भली एक प्रक्रिया भितरे आमे धीरे 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 निज भितर हजुचे। भल कर बुझंतु बुद्धदेव कहुचंती बाहर काहा को देखिबा सहज किंतु निज को देखिबा बड़ कष्ट। तेणु निज को देखिबा ही हेउची ट्रू मेडिटेशन, सत्य ध्यान। आसंतु जणे गवेषक को सुनिबा तांको ठारु बुद्धदेव विषय किछि जानिबा। आज जो गुरु विषय आमे आलोचना करिया को जाउछे 2555 वर्ष तलर तांकर जो कार्यक्रम से करि जाइछन जहाँ मार्गदर्शन देखिछन आमे आज मध्य तांको मार्गदर्शन जिबापे बाध्य होउछु। जे एमिति से सूत्र आमको बतैछन्ति जणे सेही सूत्र रे गले संसार रो पार होवा पई कौनसी असुविधा नाही। तेणु सी मध्य संगीत पाखरे होउछन्ति आमर गुरु भाव रे जहाँ नेइछे गौतम बुद्ध संगीत पाखरे सी मध्य किछि शिक्षा लाभ करिछन्ति। जेतले अति कुच्छ साधना करूथिले
मगध राज्यर निरंजन तटरे पूरा खाद्यपेय बंद कर देछंती एवं ता माध्यम रे शरीर आउ तांको अलाउ करनी साधना करबा पई मूर्छित हो जाइछंती तांको पर जो पांच जन शिष्य आसी पहुँचे ठार कि ज्ञान ग्रहण करें व्यस्त हो जाइछंती जिते चेता फेरी से चिंता करिछंती ये अचेत हो जाऊँ केवल खाद्य बिना शरीर मत आज करूना से चिंता करे मुझे कि खाद्य नेबी तो सहित साधना भी करी जहाँफल से गोटे घर भिक्षा आणवे और गोटे थर खाइबे चिंता कर साधना पथर जा सचेतन तो होती संगीत मध्यम से ही समय गोटे बाटर ग्रुप नृत्य ग्रुप जाऊे से गीतटी जो गाते से गीतर वीणा उपर गोटे गीत गाते से कहते वीणा को जदि मु अत्यधिक टाइट करदेवि ताहले वीणाटी छिंडीजी संगीत मुझे ना एवं वीणाटी जदि अति लुज करदेवि ताहले सी मध्य शब्द बाहर ना तेणु वीणाटा को मत एम टाइट कर रखा पड़ो मध्य भाग में जो स्वर बाजुव स्वर बाहर थी मुझे गीत गाई पार्थिवी और वीणार शब्दा शुणी पार्थिवी। सप्तम मार्ग रे सत्य ध्यान ट्रु मेडिटेशन ट्रु कंसंट्रेशन आत्मदर्शन निज को देखिबा जिते निज सहित निजे जड़ित हबा निज संपर्क अधिक अवगत हबा तद्वारा आम भितर अनेक गुड़िए भ्रांति दूरीभूत हो जीव आमे सत्य ध्यान रे निज को नियोजित करि परिबा से ध्यान द्वारा उपलब्ध ज्ञान ही आम मानंकु निश्चित दुखमुक्त करिबो। यदि संदेह होउची तो कहिची बुद्धदेव शास्त्र पुराण अपेक्षा अधिक व्यावहारिक ज्ञान दवापाई आमको इच्छा करती से गोटे सुंदर उदाहरण आम पाखरे प्रस्तुत कले। दिने प्रवचनर समय प्रवचन सभारे बुद्धदेव बसिचंती अन्य शिष्य माने मध्य बसिचंती प्रवचन सभारे साधारणतः बुद्धदेव अनेक कथा कुहंती बुझेवा पाई अन्य मानंकु किंतु से दिन बुद्धदेव आसी बसीगला परे तुंड फिटौ नहांती किछि कहू नहांती शिष्य माने आग्रह सहित तांको मुह को चाही रही चंती कौन किछि कहिबे आमे किछि सुनिबु सुनिले उपलब्धि करिबु से उपलब्धि से ज्ञान को जीवन रे प्रयोग करिबु किंतु अनेक समय नीरव रहिबा परे पाखरे थिबा ओटिए फुटी थिबा पद्म फूल को धीरे बुद्धदेव टेकी धरि फुटीवा पद्म फूल को से जण जण कर समस्त को देखेवा लगे हठात जड़े शिष्य से कांदी उठिले से कांदी उठिला परे बुद्धदेव निज आसन छाड़िले फूलटी को नहीं तांकु मुंड को आउसी देले ना थिला महाकश्यप कहीं से कांदिले ए फूल को पाइबा से कहीं हकदार हेले कौन आ भितर रहस्य रहीगला कहीं किसी बुझीपारे से दिन प्रवचन सभा सरला तही तो आर दिन सका जड़े नुआक शिष्यत्व ग्रहण कर बुद्धदेव पाखे पहुँचले हे गुरुदेव मो भितर बहुत अबुझा भाव रहीगला आपण मत भलक बुझे दिंतु आपण गत काली जो धर्म सभारे बा प्रवचन सभारे किछि कहिले नाही ओटिए फूल देखेले फूल आम समस्त को देखेले फूल देखी महाकश्यप काहीं की कांदिले एवं आपण तांकु काहीं की फूलटी दे आशीर्वाद कले बुद्धदेव किछि कहिले नाही टिके खाली हसी देले जा ध्यान कर ध्यान कले तुमे यार उत्तर पाई परिबो या भितर ढेर किछि दिन बीतीगला से शिष्य जनक जी जिज्ञासु जानवापी जार आग्रह अच्छी से किछि दिन ध्यान कले ध्यान कलापर किंतु ए प्रश्नर उत्तर पाईना से आसिले एवं पुणी बुद्धदेव पाखरे बसिले मत कहतु जे से दिन कौन घटना घटी आपण किछि हेले कहिले नाही महाकश्यप कांदिले आपण तांकु फूल देले ता भितर रहस्य कौन बुद्धदेव कहिले ठीक अच्छे आज संध्या समय रे तुम्हें एकुटिया मो पाख को आसिबो मु तुमको एक बुझे देबे बड़ आग्रह सहित शिष्य जनक संध्या समय को अपेक्षा करिया को लागिले संध्या समय आसिला शिष्य जनक जतेबेले आसी प्रणाम करी बुद्धदेव आगरे बसिले बुद्धदेव तांकु कहिले नीरवता ठारू
बड़ भाषा आउ जगत रे किछि ना सबु कथा कही बुझै हुए ना कहिले मध्य सबु कथा समस्ते बुझंती नाही तेणु तार गोटे परिवर्तन मु तुम मानक भितरे लक्ष्य कराइबा पाई तुम मानकर दृष्टि को आणिबा पाई से दिन फुलटी धारण करथिली एवं से फुलटी को देखी अनेक अनेक प्रकार भावना सृष्टि करथिवे किंतु महाकश्यप एक सुंदर धारणा रे पहुंचिले जो धारणा को सीए बुझिले मु बुझिली से अनुभव को केही कहा पाखरे प्रकाश करि परिवे नाही किंतु ताकु ध्यान रे अनुभव करि हबो ता एकांत निजस्व तेणु से एकांत भाव रे जो निजस्व अनुभवटी तांको पाखकु आसिला ताकु बुझेवा पाई मु तुमको गोटे उदाहरण देखौची देख शुण आउ बुझ अनुभव करिया को चेष्टा कर आसंतु आउ जने विशेषज्ञ ठारु शुणिबा बुद्धदेव संपर्क रे किछि यथार्थ रे कहिबाकु गले गौतम बुद्ध षष्ठ शताब्दी रो जने युग प्रवर्तक थिले खाली जे धर्म सहित गौतम बुद्ध को जोड़ी देले हबनी गौतम बुद्ध जने युग पुरुष अति मानव एवं तांकर दर्शन जेते धर्म प्रवर्तक आसीचंती बा आगामी दिन रे आसीबे गौतम बुद्ध कोठी ना कोठी ये कालंजयी हेकर रहिबे एंकु समय एंकर दर्शन को विचलित करिपारिबो नाही एवं बौद्ध धर्म मानसपटरे एक गणधर्मर स्वीकृति पाइला यार विश्वव्यापकता यार दीर्घ स्थायित्व देखिबे षष्ठ शताब्दीर महामानव गौतम बुद्ध सप्तम शताब्दीर प्राय 1300 वर्ष धरिकी तांकर धर्म तांकर मौलिक नीति ये समग्र विश्व रे चमत्कार प्रभाव पकेला तेणु ये गोटे देश भितरे आबद्ध होइक रहिलानी गौतम बुद्ध को आमे भारतर संपत्ति बोली आउ कहि परिवानी ये विश्व दरबार रे समस्त मानव जातिर एक संस्कारी पुरुष रूपे अभिहित होइचंती जदि कहा जाए जे 1300 वर्ष धरी एभली धर्म बोधे विरल जहाँ गणधर्मर रूप नहीं पारा दलित निष्पेषित जो माने उपेक्षित समाजर से मानको मनरे एक आलोडन सृष्टि करागला एक आत्म प्रत्यय से सृष्टि करि पारिले एभली दृष्टांत एभली प्रभाव बोधे अन्य कौनसी धर्म रे देखिबा विरल आजिर कार्यक्रम रे आमे चर्चा करूचे गौतम बुद्धंक संपर्क रे तांकर सप्तम प्रदर्शित मार्ग अष्टांग मार्ग मध्यरु जेउथिरे सत्य ध्यान कंसंट्रेशन एकाग्रता उपरे खूब गुरुत्व दिया जायछि एकाग्रता टी खूब अनुभव्य निजस्व रसगोला आपण खाइले मीठा लागिला केते मीठा लागिला किपरि मीठा लागिला ताहा जेमिति अन्य को कहि परिबे नाही ध्यान रे सेपरि आपण ग्रहण करथिबा तथ्य तत्व ताको अन्य आगरे सहजरे प्रकाश करि परिबे ताहा एकांत भावरे निजर अनुभव गोटे पत्र आगरे पडिथिला जो कहानी मु विरति पूर्वर कहुतली ये होची तार शेष अंश गोटे पत्र आगरे पडिथिला से पत्रटी को बुद्धदेव से शिष्य को आगरे धरिले अच्छा कहिल यार रंग कौन शिष्य जनक पत्र आड़ को चाहिले कहिले यह सबुज ठीक भावरे कहुच यह सबुज से पुणी थरे चाहिले कहले हाँ गुरुदेव यह सबुज वर्ण किपरि जानिल मोर पिता मोर माता मोर गुरु से माने कहिथिले यह सबुज वर्ण अच्छा तुमे एहाकु लाल रंग कहिथिले कौन भूल हेतांता भूल हेतांता काहिं कि भाबुच जदि यही सबुज रंग बोली जहाँ कुहा जाउची ताकु जदि समस्ते लाल रंग बोली कहुथांते ताहले आमे ताकु लाल रंग बोली कहिथांते कि ना निश्चय यार अर्थ कौन यार अर्थ हैला समाज ठारु आमे किछि ज्ञान आहरण करिचे आम चारिपाखरे थिबा
ज्ञानी गुणी व्यक्ति विशेष मानक द्वारा आम भितर को किसी ज्ञान पशि आसी से ज्ञान मापदंड आमे मापी तदनुजाई आम अनुभव को प्रकाश करुचे। किंतु देख याकू जदि सबुज रंग न कही समस्ते लाल कहुथांते आमे भी लाल कहुथांते, याकू जदि समस्ते कला कहुथांते आमे भी कला कहुथांते, ताले पत्रर प्रकृत रंग कौन? आमर कौन निजर गोटे किछु अनुभव नाही? किछु लोक आकु सबुज कहिले बोली आमे सबुज कहिबा, किछु लोक आकु लाल कहिले आमे लाल कहिबा, किछु लोक आकु कला कहिले आमे कला कहिबा। एथर शिष्यटि टिके द्वंद्वरे पड़िगला। याकू आमे लॉजिक रे कहू बा तर्कशास्त्र रे याकू सुंदर भाव रे बखाण करा जाए, तर्क द्वारा प्रमाण करिया पई चेष्टा करा जाए, तार्किक सिद्धांत निरूपण करिया पई चेष्टा करा जाए जे प्रकृत रे द्वंद्वर समाधान होउचि कि ना। शिष्य जनक बड़ व्याकुल देखा गले, कहले गुरुदेव एबे मु बुझि पारुचि जे पत्रटी अछि पत्रर गोटे रंग अछि, किंतु पत्रर रंगटी प्रकृत रे कौन ता मु किपरि प्रकाश करिवि ताहा पई मु कोनोसी भाषा पाऊ नाही। बुद्धदेव हसी कहिले एहा ही हेउची एकांत निजस्व अनुभव। एपरी अनुभव केवल निज भीतर को निजे गमन कले ही आमे पाई परिबा, जहा दुखमुक्त जीवन धारार एक अपूर्व सोपान। ए अपूर्व सोपान रे निज को क्रियाशील कराओ, अन्य द्वारा प्रभावित होई किछि सुनी किछि पढ़ी ताद्वारा सुख प्राप्त होई परिबो नाही। सुख प्राप्त होबा पई हेले निज को से रास्ता रे नबा को पड़िबो, निजस्व अनुभव को जोगाड़ करिबा को पड़िबो। जेभली तुमे कहिलो पत्रर अस्तित्व अछि तुमे जानी पारुछ, ठीक सेई भली तुम निजर अस्तित्व अछि। पत्रर जेपरि रंग अछि तुमे जानी पारुछ, सेई भली तुमर मध्य दुखमुक्त हबार गोटे हक अच्छी, गोटे अधिकार अच्छी, तुम्हारे गोटे आत्मचेतना अच्छी, तुम पाखे बुद्धि अच्छी, तुम्हें तार दृढ़ जागरण कले तुम्हें आपे 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 दुखमुक्त हो पार। महाकश्यप बुझिले ये फूल फुटी, फुटला फूल दिने झड़ीज, यार स्थिति आज अच्छी काली को न थी पारे, किंतु फूल भितर जो शाश्वत भावटी फुटी उठी ताकु बुझेई हबो नाही, केवल बुझी हबो। से फुटीथिला फूल होउची आम अंतकरणर सेई फुटीथिबा अपूर्व उज्ज्वल भाव, जहाँ ध्यान द्वारा आमे अनुभव करि पारिबा। दुखमुक्त हबार एई भावकु अनुभव कर, खुशी हुओ, जा एथर ध्यान रे मनकु केन्द्रित कराओ। बुद्धदेवंकर ए आदेश पाई शिष्य जनक प्रणिपात करि निज रास्ता रे चलीगले, एवं निजकु जणे भल शिष्य रूपरे से प्रमाणित करि पारिले। आसंतु जणे गवेषकंक ठारु आउ किछि सुनिबा एही बुद्धदेवंक संपर्करे। तुमे अस्त्र धरि कि काहाकु काहा उपरे विजय हबा पई चेष्टा कर नाही, बरं एमिति विजय विजय हुअ निज उपरे निजकु विजय कर। निज उपरे विजय करिवार अर्थ आम भितरे थिबा सड़ रिपु जो अछन्ति मोह मद माश्चर्य लोभ इत्यादि को आमे जदि आमे दमन करि दे पारिले ताहले आमे गोटे शुद्ध शांत जीवन जापन करि पारिबा। एहा संसार को संसार रे जीवन जापन करिवा पई अत्यंत प्रयोजन। तेणु आमे केते केते परिमाण रे आम केते केते आमे ताकु पालन करिकरि आमे किमिति भलो संसार जीवन पालन करि पारिबा ताहा आमे देखिबार कथा। सेइतमे कहिसेंति बुद्धदेव कहिसेंति गोटे साधारण जीवन जापन कर, तप आचरण कर, एवं ध्यानस्थ होकर तुम निजक निज पाखे रख रख कहार निजक निज पाखे रखार अर्थ जे कि मु तुम भितर अच्छी तुम्हें मत देखा चेष्टा कर। से आत्मा रूप से समस्त भितर अच्छा से भागवत कहते सकल घटे बास मोर मो आत्मा जगत ईश्वर। जदि से आत्मा रूप से समस्त भितर अच्छा से बुद्ध आम भितर अच्छा अवतार पुरुष जहाँ कथा दश अवतार वर्णित होम भितर अच्छा तेणु आम निजक निज भितर रखा तेल आम गोटे शुद्ध जीवन जापन कर। कार्यक्रम समय उपसंहार सूचना देले अवसर में श्रीमद भागवत गुरुंकर परम पूज्य वंदना पदे मन पड़े। गुरु को नमणि मनर
ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଭଗବାନ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରୀର ଧରି ଆସି ଏଭଳି ଶକ୍ତି ନିଜଠାରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ସଞ୍ଚରଣ କରନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅବୁଝାମଣା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ତାକୁ ସିଏ ଆମ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ, ତ୍ରିତତ୍ଵ ରୂପରେ ଆରାଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସଂହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ତ୍ରିତତ୍ଵଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପାଲାଭ ହଉ। ଓମ୍ ଗୁରବେ ନମଃ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।